नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अंडरेट में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर कलेक्टर की महत्वपूर्ण बैठक, कई विभाग हुए बैठक में शामिल, कलेक्टर ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे भोपाल, कोरोना कंट्रोल सेंटर का लिया जायजा, प्रदेश में कोरोना की स्थिति से दिखे नजारा। भोपाल में कांग्रेस नेता बैठे धरने पर, शिवराज सरकार पर साधा निशाना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग। इंदौर में ऑक्सीजन की भारी कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की हुई जब्ती, सिलेंडर्स का अस्पताल में होगा उपयोग। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने श्रम विभाग, उद्योग विभाग, निगम अधिकारी की टीम गठित कर इंदौर में ऑक्सीजन और बेड सहित अन्य सुविधाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बढ़ती मांग को देखते हुए हॉस्पिटलों में 500 से 600 ऑक्सीजन सिलेंडरों की पूर्ति भी की गई है। आज श्रम विभाग की, उद्योग विभाग की और निगम के जड़ों साथ एक टीम्स बनाई गई हैं एसडीएम के नेतृत्व में। अभी हम लोगों ने कुछ सिलेंडर्स निकाले थे, लगभग 500 सिलेंडर्स, हम लोगों को 600 सिलेंडर्स निकल के आए थे, जिसमें ऑक्सीजन भर करके हम लोग अस्पतालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। चूंकि अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ाई जा चुकी है, बेड कैपेसिटी बढ़ गई है, उसी मान से और पूरे प्रदेश से पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं अस्पतालों में, ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए सिलेंडर्स की आवश्यकता बहुत है। सिलेंडर्स अगर मिल जाते हैं तो उसको हम लोग अलग अलग सोर्सेज हैं हम लोगों के पास में, जहाँ से भर के जो 600 सिलेंडर भी रिसेंटली मिले थे, उससे बहुत राहत मिली अस्पतालों को। हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं कि अलग अलग जितने भी ऑर्डर कर दिया है हमने, जिसमें कि उद्योगों के लिए बाध्यकारी हो गया है कि जो भी उनके यहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं, वो हमारे जो एसडीएम की टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें कि लेबर डिपार्टमेंट के भी हैं, श्रम विभाग के, लेबर डिपार्टमेंट के हैं, इंडस्ट्रीज के हैं और स्थानीय निकायों के हैं, उनको अनिवार्यतः सिलेंडर मुहैया कराएं और हम लोग उसे रिकॉर्ड बना के लेंगे, पावती देंगे उनको और उसको हम लोग भरवा करके जहाँ जहाँ शॉर्टेज आ रही है, जहाँ जहाँ ज़्यादा डिमांड हो गई ऑक्सीजन की, वो हम लोग अस्पतालों को सप्लाई करेंगे। दमोह चुनाव में व्यस्त मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हाल ही में राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। राजधानी पहुंचने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले कोरोना कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया। इसके बाद राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पहुंचे और बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उस दौरान पत्रकारों ने सवाल किया कि संक्रमण से मरती हुई जनता को छोड़ आप चुनाव में व्यस्त थे, तो मंत्री जी का कहना था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरा मंत्रिमंडल कोरोना वायरस से निपटने में ही लगा हुआ है। वहीं इस दौरान देखने में आया कि स्वास्थ्य मंत्री के पास न तो ऑक्सीजन सप्लाई के सही आंकड़े थे और न ही दवाइयों को लेकर कुछ जानकारी थी। नहीं, पूरी ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, और जो भी लोग हैं उनको हमें छुपाने से कोई फायदा क्या है भाई? जो लोगों को हम लोग तो जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई हम कोई फायदा है क्या कोई? हम लोग संक्रमण इतना तेज हो रहा है और सांची में जो आपकी विधानसभा है वहाँ पे एक माली जो है वो कोविड टेस्ट कर रहा है। नहीं, टेस्ट पहली बात तो देखिए, सांची में टेस्ट नहीं होते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं। सैंपल में जो नहीं, ऐसा है, जो भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, स्टाफ में जो काम कर रहे हैं सारे लोग इस समय लगे हुए हैं, डॉक्टर स्टाफ के जो भी लोग हैं, जो जितना भी लोग है अस्पताल में, सब लोग काम पे लगे हुए हैं। और भी वॉलंटियर के लिए मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, 74,000 लोग और भी जो वॉलंटियर तैयार हुए उनको भी टेंड करके उनसे भी काम लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो आज जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है ये कोई पहले से सोची समझा तो था नहीं, किसी को तो पता नहीं था कि दुनिया में फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, मध्य प्रदेश में। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, इस समय इस संकट के दौर में सबको सहयोग करना चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है। एक तरफ कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी के चलते बुधवार को भोपाल के मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने कई कांग्रेसी दिग्गज नेता ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ धरने पर बैठे।
मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 16 साल से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने इस साल ये कहा कि मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा। उन्होंने 1,00,000 बार बोला कि पर्याप्त व्यवस्था है सारे मेडिकल लाइन में, चाहे बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे और जिस भी प्रकार की पूर्ति की आवश्यकता, वो सब है हमारे पास। लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनका साथ देती रही और साथ देती रहेगी। इस पेंडेमिक में हम अलग नहीं है, पर प्रदेश का मुख्यमंत्री गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के झूठ बोले और कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पा रहे हैं, एडमिशन लेने में हॉस्पिटल मना कर रहे हैं। जब गुजरात ने हाथ खींचा, जब महाराष्ट्र ने हाथ खींचा ऑक्सीजन को लेकर, तो देश की सरकार ने क्यों व्यवस्था नहीं की, ये सवाल है। हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर विनम्रता से हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं। इंदौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी गई है, इसके चलते अब प्रशासन ने विभिन्न उद्योगों और कारखानों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जब्ती की कार्यवाही की है। दरअसल राऊ क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक संगठनों पर जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग विभिन्न अस्पतालों में किया जाएगा, वहीं जब ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग प्रशासन को लगना बंद हो जाएगा उसके बाद इन ऑक्सीजन सिलेंडर को वापस लौटा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इस पूरी व्यवस्था का असर आने वाले दिनों में किस तरह सामने आता है। कोविड-19 के जो मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है उनको ऑक्सीजन मुहैया कराए जाने के लिए आज विशेष अभियान चला करके ऐसे सभी जगह पे जहां पर कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की संभावना है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और जहां भी सिलेंडर मिल रहा है उसको हम लोग इसके उपयोग के लिए ले रहे हैं। हाँ सर, लेकिन जैसे कि इसका व्यापार व्यवसाय वापस शुरू होगा तो किस तरह से इन्हें लौटाया जाएगा, ये ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरह से इन्हें वापस दिए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों से ले जाया जा रहा है, तो एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि इन लोगों तक ये वापस भी पहुँचे। निश्चित रूप से ये हमारा कंसर्न भी है और इसलिए हम लोग इसको परमानेंट मार्कर से लिखवा रहे हैं, और जिस भी इंस्टीट्यूशन से हम लोग इस सिलेंडर को ले रहे हैं वहाँ के डिटेल लिख रहे हैं और उनको सिलेंडर वापस कराने के लिए व्यवस्था भी की जाएगी और उनको हम रिसीट भी दे रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कलेक्टर अविनाश लवानिया सहित ACS सुलेमान भोपाल के रेडक्रॉस अस्पताल पहुंचे। इस दौरान रेडक्रॉस अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए और बिस्तर बढ़ाने के लिए आज हमने यह निर्णय लिया गया है कि रेडक्रॉस अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। भोपाल में कोरोना के और बिस्तर बढ़ाने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल को भी अब हम कोविड सेंटर बना रहे हैं। आज ACS सुलेमान जी और भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया जी के साथ मैंने दौरा किया और ये सुनिश्चित किया है कि इसको भी हम कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाएंगे। यहाँ पर लगभग 20 बिस्तर हैं और टोटल मिलाकर 55 बिस्तर हैं। बड़ी सुविधा भोपाल के लिए और आएगी और लगभग 2-3 दिन में हम इसको फिर शुरू भी कर पाएंगे। यहाँ पर जो OPD और IPD है, खासकर जो स्त्री रोग के डिपार्टमेंट है और जो प्रसूति यहाँ पर डिपार्टमेंट है उसको हम JP अस्पताल में शिफ्ट करेंगे जिससे उन पेशेंट्स को भी दिक्कत नहीं आए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।